नमस्कार जी, मैं कृष्णा शास्त्री प्रयागराज से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज का मेरा विषय ये है कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि लोग संतान क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, 5-10 साल इलाज करवाते हैं, एक डॉक्टर लास्ट कहते हैं कि भगवान के भरोसे है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी की पत्रिका में अगर 5वें घर में सूर्य ग्रह बैठे हों नीच अवस्था में, या फिर शनि ग्रह बैठे हों, या फिर मंगल ग्रह बैठे हों, 5वां जो घर होता है कुंडली में वो संतान को लेके होता है। 5वां जो घर होता है शिक्षा घर होता है, बुद्धि घर होता है, और संतान को लेकर भी ये घर माना जाता है शास्त्रों अनुसार 5वां घर, ठीक है। और कभी क्या होता है कि शादी के 2-3 साल हो जाते हैं, संतान नहीं हो पाती है, जिससे कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि संतान का सुख है या नहीं है। बहुत लोग कुंडली दिखाते हैं, सही प्रकार उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे उनका मन भटकता रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर पास जाते हैं, हैं अगर डॉक्टर पास जाते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं पहले वाइफ का चेकअप होता है, वाइफ का सब कुछ नॉर्मल होता है तो हस्बैंड का चेकअप होते हैं, तो कहते हैं हस्बैंड में ये कमी है जिसके चलते वो संतान नहीं हो पा रही है, या फिर वाइफ में कमी है जिसके चलते वो संतान नहीं हो पा रही है, और आप लोग इलाज करवाना चालू कर देते हैं। ऐसा ही होता है, नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना सिर्फ, ठीक है। तो दवा खा के 2-3 साल 4 साल बीत जाते हैं, तब भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है आप लोगों को, जिससे आप लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को 3 या 4 लाख 5 लाख लग जाता है, आप लोगों को पता नहीं हो पाता संतान की प्राप्ति है या नहीं है, है ना। तो आप लोग दवा खाते रहते हैं। देखिए तो लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है, हैजुबा ठीक ठाक है, भगवान के भरोसे, अगर संतान क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हैजुबा बिल्कुल दोनों परफेक्ट हो गए, फिट हैं, लेकिन तब भी संतान हो रही है, तो कहते भगवान की मर्जी, जिससे कि आप लोग को निराशा मिलती है। तो आप लोग 3 या 4 से 5 से बीतते तो वहाँ से क्या हो जाता है कि जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, 5-6 साल हो जाता है डॉक्टर का चक्कर काटते हुए। तो आप लोग कुंडली में जाते हैं, बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कोई आपको सही जानकारी दे देगा, कोई आपको गलत जानकारी देगा कि काल सब दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, जिसके चलते हुए आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, आप ये पूजा करवाइए जैसे कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप पूजा करवाते हैं उसके बावजूद भी नहीं हो पाती। देखिए जैसे एक अच्छे डॉक्टर होता है, वो आपसे आराम से बात करेगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, आपको सही राय देगा, आप समझ जाएंगे डॉक्टर सही है, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, जिससे कि मेरा आराम से इलाज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जो पत्रकार जो 5वां जो घर होता है संतान का घर होता है, अगर 5वें घर में अगर सूर्य नीच राशि में बैठे होते हैं, सूर्य का तुला राशि में बैठे हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपका वहाँ से बच्चा बन नहीं पाएगा, जैसे कि 1 या 2 महीने में वो मिसकैरेज होता रहेगा, बच्चा बन ही नहीं पाएगा, जिससे कि आप थोड़ा परेशान होते रहेंगे। शादी को 10 साल भी हो जाएंगे तब भी 5वां सूर्य जो ग्रह होता है वो संतान का जो सुख होता है वो खराब कर देता है, 5वां पीड़ित कर देता है। सूर्य का ताप क्या होता है, जैसे गर्मी होता है, गर्मी भी हम लोग धूप में नहीं खड़े हो सकते, अगर गर्मी हम धूप में खड़े होते क्या होता है, गर्मी लगने लगती है, हम धूप से भागते हैं, राइट। अब 5वें घर में अगर सूर्य बैठे हो तो सूर्य के ताप से तो जो एक संतान सुख होता है, संतान का सुख नहीं मिल पाता आप लोग, जिससे आप लोग परेशान रहते हैं, तो वहाँ से संतान की प्राप्ति आप लोग को नहीं हो पाती। अगर 5वें घर का मंगल ग्रह बैठे हो, मंगल क्या होता है, खून का कारक होता है, होमोग्लोबिन कारक होता है, अगर मंगल ग्रह का नीच अवस्था में बैठे हो, कर्क राशि में बैठे हो, तो वहाँ से भी संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। मंगल ग्रह के कारण क्या होता है आपको कि बच्चा बन नहीं पाएगा, 2 या 3 या 4 महीने मिसकैरेज हो जाएगा, जिससे आप लोग परेशान होंगे, सोचेंगे कि नहीं अब 2-3 महीना सही होता है, 2-3 महीने पर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, क्योंकि 5वें घर मंगल ग्रह बैठे होते हैं, मंगल ग्रह के नीचे उसमें बैठने का क्या होता है, 3rd से लेकर 5वें मंथ तक बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा, हार्ट बीट नहीं बन पाएगी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते रहेंगे, ठीक है ना, जिससे आप लोग परेशान होते रहेंगे कि सब कुछ मतलब प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 3rd से 4th महीने बच्चा क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह कमजोर होने के कारण ये समस्या होती है। अगर 5वें घर में शनि ग्रह बैठते हैं तो शनि ग्रह क्या होता है, समय कारक होता है, शनि प्रकार से भोला ग्रह होता है, हर काम वो लेट में करवाते हैं, हर काम A to Z, ठीक है, किसी की नौकरी होगा लेट में लगेगा, कोई बिजनेस कर रहा उसका लेट अच्छा चलेगा, शनि ग्रह खराब होगा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो शनि ग्रह क्या होगा, शादी 4-5 साल बाद संतान सुख तो आपको मिलेगा, बहुत लेट मिलेगा, अगर शनि ग्रह 5वें बैठने कारण क्या होता है तो मिसकैरेज नहीं करवाता, संतान सुख होगा, लेकिन 5-6-7 साल के बाद संतान के सुख की प्राप्ति होगी। ये 3 जो ग्रह होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, ये 3 ग्रह अगर आपके पत्रकार कमजोर होंगे
तो वहां से आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा, जिससे कि आप लगातार परेशान रहेंगे, लगातार मानसिक तनाव में रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताता रहूंगा ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो पांचवा घर होता है, अगर किसी एक पद का सूर्य ग्रह कमजोर हो तो उसके लिए क्या उपाय है मैं बताता हूँ। किसी पद का अगर सूर्य ग्रह कमजोर होंगे, अगर आपको पता नहीं कि वे ग्रह कमजोर हैं या फिर अच्छे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ समेत भेज सकते हैं, कोई भी आपको जानकारी लेना ले सकते हैं। पांचवें घर में अगर सूर्य का शत्रु अवस्था बैठा हो तो वहाँ से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने बोला, बच्चों को मिसकैरेज होता रहेगा, एक या दो महीने में वो बच्चा बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सुबह उठ के एक तांबे के लोटे में जल डाल के, पीसी हुई हल्दी डाल के, थोड़ा सा चावल डाल के सूर्य भगवान सामने ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना होगा। ओम सूर्याय नमः का फिर से समझ लीजिए उपाय, एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भर के, थोड़ा सा चावल भर के सूर्य देवता के सामने ओम सूर्याय नमः का आपको 51 बार मंत्र का जाप करें डेली सुबह। ठीक है, और शाम को क्या करना होगा, आपको जो घर में छत होगा, मतलब जिसको हम छत कहते हैं, वहां पर आपको एक झंडा लगाना होगा, जो कि सूर्य भगवान की कलर का आपको एक झंडा लगाना होगा। उस झंडे पर जैसे सूर्य जब अस्त होता है तो वहां पर आपको एक दीपक जलाना होगा सरसों के तेल का। ये हो गया सूर्य के लिए उपाय। ठीक है, दूसरा, अगर किसी पत्र का मंगल ग्रह खराब हो तो बच्चा क्या होगा, 3 महीने से लेकर 5 महीने के बीच में बच्चा मिसकैरेज होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, हर मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर जाए जेंट्स, और वाइफ क्या करें, हर मंगलवार के दिन जो घर में जो बालकनी होगा वहाँ पर एक तिल का दीपक जलाइए। ठीक है, और हर मंगलवार के दिन हैजो वाइफ ऐसे दोनों एकदम व्रत रखें, 11 मंगलवार ये करिए, 11 मंगलवार ये उपाय करिए, हैजो वाइफ में से कोई एक इंसान हर मंगलवार के दिन व्रत रहे, और जेंट्स जो है बजरंग बली के मंदिर जाए, और वाइफ जो बालकनी होता है तो वहाँ पर एक दीपक जलाए, और जेंट्स जो बजरंग बली के मंदिर जाएंगे वहाँ प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाने के बाद जो वहाँ जो गरीब होते हैं उनको बांटने के बाद वो प्रसाद अपने घर में आके ग्रहण करें। ठीक है, अगले दिन ये मंगलस्वती उपाय कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा। 11 मंगलवार अगर ये काम करते हैं तो वहाँ से बच्चा आपका मिसकैरेज नहीं होगा। अगर तब भी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, उस नंबर आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ समेत दे सकते हैं, या आपको मैं फ्री में बताऊंगा, कोई भी चार्जेस नहीं। मैं आपसे देखिए बिल्कुल साधारण तरीके से बात कर रहा हूँ, कोई मैं पंडित तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पंडित तरीके से बात करूँगा आप एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि मैं सरासर साधारण इंसान हूँ, मैं साधारण भाषा में बताता हूँ कि क्या क्लियर है क्या चीज़ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, ज्योतिष का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर ज्योतिष से बात करूँ इंसान पूरी उम्र ज्योतिष की पढ़ाई करेगा, बहुत सारे चीज़ होते हैं, जब तक सीखता रहेगा तब तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहना मतलब आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, कहाँ से क्या दिक्कत होती है, कहाँ से क्या समझ प्रॉब्लम होती है, आपको सब कुछ बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी समस्या आराम से सॉल्व हो सके, आपका आराम से काम बन सके। ठीक है, और तीसरा, किसी के पत्र का शनि ग्रह खराब हो, आप लोग क्या करते हैं, हर शनिवार के दिन पीपा के पेड़ पास जाते हैं, कुछ सरसों तेल दीपक जलाते, कुछ तिल का तेल दीपक जलाते हैं, ये आप करिए, लेकिन शनि संबंधी कोई उपाय नहीं करिए, जैसे कि आपको काले कपड़ा नहीं पहनना होगा। सूर्य अस्त होता है शाम के समय, अगर हस्बैंड बाहर से काम करके आ रहा है तो सबसे पहले अपना पैर होता है बाहर धुल के, तो वो घर के अंदर आए, और शनिवार के दिन जब रात को जब सोते हैं तो आप नीले कलर का बल्ब लगाइए, उसको कहते हैं नाइट बल्ब, नीले कलर का बल्ब लगाइए। ठीक है, आप शनि खराब हुआ तो आपको अंधेरे में ज़्यादा नहीं रहना है, कोई भी काम अगर बिजनेस को लेकर जॉब से लेकर कुछ भी काम करते हैं तो रात को कोई भी काम नहीं करना है, और कुछ नहीं, ओम शनि शनिश्चाय नमः का, सूर्य जब अस्त होगा तो हैजो भाई दोनों जब मिलकर 51 मंत्र का जाप करिए। ये अगर आप उपाय कर लेते हैं तो मेरा आपसे पूरी गारंटी कर रहा हूँ, तो आपके घर में कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और डॉक्टर का चक्कर मत काटिए, अगर डॉक्टर चक्कर काटते हैं डॉक्टर क्या होगा, अंग्रेजी दवा होगा, दवा खिला 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 के जिससे कि आपकी बच्ची अधिक कमजोर हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, जो चांसेस थे वो भी खत्म हो जाएगा। मैं यही सलाह दूंगा, ठीक, ये उपाय करिए आप। मेरे नाम कृष्णा शास्त्री है, आप हमसे जब भी बात करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें डेट ऑफ बर्थ समय भेज सकते हैं, मैं आपकी पत्रिका में देख सकता हूँ क्या उपाय रहेगा, क्या करना होगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वैसे करिएगा तो आपको आराम से लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल है ये, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कोई भी अगर उपाय बताना होगा, कुंडली बारे में कुछ नॉलेज देना होगा, मैं आपको बताता रहूँगा इसी तरीके से।
तो कुछ साधारण तरीके से आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपसे आपका काम बने, ठीक है। तो मेरा नाम है कृष्णा शास्त्री है, व्हाट्सएप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर नया वीडियो डालना होगा तो आपको मिलता रहेगा, आपको जानकारी मिलता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा काल सब दोष होते क्या है, लोगों को पत्रिका में काल सब दोष पाया जाता है लेकिन काल सब दोष होते क्या है, उससे क्या निवारण है, काल सब दोष का प्रभाव आपके जिंदगी में क्या पड़ता है, मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा जी। नमस्कार जी।